के तार संवाददाता रविकांत वर्मा का रिपोर्ट। खनन पदाधिकारी ने डंप किए गए बालू JSMDC को संपूर्ण किया। केतार खनन पदाधिकारी नंददेव बैठा ने शुक्रवार को मुकुंदपुर व ताली गांव में डंप किए गए 3800 DA फटी अवैध बालू को जब्त कर JSMDC को संपूर्ण कर दिया। खनन पदाधिकारी नंददेव बैठा ने बताया कि केतार अंचला अधिकारी द्वारा मुकुंदपुर और ताली गांव में पंडा नदी से अवैध बालू का उत्खनन कर बिक्री के लिए डंप कर रखने की रिपोर्ट विभाग को सौंपी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए डंप बालू को जब्त कर JSMDC को संपूर्ण कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जहां भी अवैध बालू डंप कर रखा गया है सभी जगह बालू को जब्त किया जाएगा और इसमें सम्मिलित लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर सत्येंद्र कुमार, PSI संजय हेब्रम सहित अन्य लोग मौजूद थे।